दोस्तों आज की वीडियो में हम पीएफ से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी लीगल कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही मतलब कम टाइम का काम है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी लीगल कंप्लायंस है। इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करनी होती है ये। इसका नाम से ही संबंधित है कि इंटरनेशनल वर्कर की जो रिटर्न भरनी होती है पीएफ में और जो कंप्लायंस करना होती है एम्प्लॉयर को, उसके बारे में बात करेंगे। IW रिटर्न जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप इंटरनेशनल वर्कर की रिटर्न भरेंगे। ये गूगल का होम पेज है और होम पेज पे हमें जस्ट लिखना है epfindia.gov.in। और ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो होम पेज साइट है ये खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले ऑप्शन आएगा अवर सर्विसेज। अवर सर्विसेज में जाके आपको इंटरनेशनल वर्कर चूज़ करना है और नीचे दिए गए लिंक दिए फॉर ऑनलाइन जनरेशन ऑफ OCC पर जाके आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा जो कि डेडिकेटेड है इंटरनेशनल वर्कर के लिए। इसमें सेम यूज़र ID पासवर्ड आपको देने होंगे जो एम्प्लॉयर जो लॉगिन के लिए लगते हैं, वो भी आपको यहीं लगाना पड़ेगा। और ऑप्शन चूज़ करना आपको एम्प्लॉयर, जो कैप्चा है कैप्चा का सेम टू सेम वर्ड आप इसमें डाल के और लॉगिन का ऑप्शन दबाएंगे तो ये होम पेज खुल जाएगा। इसमें सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है, सेकंड लास्ट का सॉरी, जो IWU जो अपना रिटर्न्स का है, इसमें आपको जिस भी मंथ की रिटर्न भरनी है वो आप मंथ चूज़ करिए। जैसे मुझे जून 2017 की रिटर्न करके डन कर दिया है और इसको निल रिटर्न मुझे भरनी है तो निल रिटर्न में का ऑप्शन मैंने चूज़ कर दिया और मेरी रिटर्न भर गई है। और अभी मुझे करना क्या है कि ये रिटर्न मुझे अप्रूव करनी है तो मुझे ऑप्शन चूज़ करना होगा अप्रूव मंथली रिटर्न। इसके लिए मुझे पेंडिंग रिटर्न्स फॉर अप्रूवल जाके चूज़ करना है सेकंड ऑप्शन जो है। और जैसे मैं ऑप्शन चूज़ करूँगा ये खुल जाएगा मेरा पूरा पेज। और ये देखिए मुझे यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट करने का दो ऑप्शन है तो मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अप्रूव का ऑप्शन दबाऊंगा ये मेरा खुल जाएगा। इसमें सारी डिटेल्स आ जाएगी कि मैं निल अपडेट कर रहा हूँ, मेरे जीरो इंटरनेशनल वर्कर थे तो मैंने निल, ये सारी डिटेल्स इसमें दिख गई है। इसके साथ ही मेरे को जनरेट PDF मेरे रिकॉर्ड के लिए मेरे को PDF मिल जाएगी और उसको देख के भी मैं सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकता हूँ। और ये मेरी अभी PDF को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसको बिना डाउनलोड किए बिना चेक करे भी मैं इसको आगे प्रोसीड कर सकता हूँ गेट OTP के थ्रू। बट मैं इसको देख लेता हूँ कैसे ऑप्शन आता है। ये मेरी PDF डाउनलोड हो रही है जो मेरी शीट है जो रिटर्न की जो मुझे अपने रिकॉर्ड में रखनी है। और इसमें सारी डिटेल्स जो रखेंगी जो, क्योंकि मैंने निल सबमिट करी है निल ही होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ खुलने पर क्या निकलता है इसमें। और ये देखिए दोस्तों ये निल यहाँ पे शो कर रहा है तो निल रिटर्न मेरी गई है, निल वर्क कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक है। अब जस्ट मुझे यहाँ पे जनरेट OTP करके और मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो मेरे PF के साइट पे एम्प्लॉयर के, वही मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का आप मेरे पास OTP आएगा, 1-time password आएगा जिसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये अप्रूव का बटन जैसे ही दबाऊँगा ये मेरी रिटर्न अप्रूव हो जाएगी और ये ऑप्शन भी आ रहा है URN डिटेल्स अप्रूव्ड सक्सेसफुली अप्रूव्ड। तो देखिए दोस्तों कितना आसान सा चीज़ है और ये